नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति। मुख्य समाचारों के साथ मैं अरशाद अली। भारतमाला रोड पर उठ रहे हैं अनेक सवाल, निर्माण को लेकर संवेदनशील नहीं प्रशासन। अनूपगढ़ आईटीआई कॉलेज के सामने नाले को पार कर रहा ट्रक नाले की पट्टियां टूटने से नाले के अंदर ही धस गया। भारतमाला रोड के तहत हो रहे निर्माण के कारण आए दिन वाहन नाले में धस जाते हैं। निर्माण कंपनी ध्यान देकर उच्च गुणवत्ता युक्त निर्माण करवाएं ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। वहीं दूसरी ओर रायसेनगर से अनूपगढ़ तक भारतमाला निर्माण के तहत बन रही सड़क में जगह जगह ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई। जगह जगह ऐसे कट बना रखे हैं जिन पर ना तो कोई वेरिकट से ना कोई ऐसी चीज लगाई गई है जिससे व्हीकल ड्राइव को पता लग सके यहाँ पर सड़क टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लगभग जब से ये सड़क बनाने लगे हैं तब से लेकर आज तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल, मैं रामस्वरूप नायक, कैमरामैन भागीरथ कड़वा के साथ। कल जो ये हादसा हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका कारण मुख्य ये है कि ये जो भारतमाला निर्माण के तहत जो सड़क बन रही है, इस सड़क में जगह जगह जो ये कट दे रखे हैं, ये कट मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये कट दिखाए कि ये कट के कारण ही कल जो एक्सीडेंट हुआ था, इस कारण से हुआ था। तो ये जो कट है, जगह जगह कट छोड़ रखे हैं, जो ये कट है, एक आगे कट और आगे, इसी कारण से ये जो है, कैमरामैन से दिखाऊंगा, ये यहाँ से जो बस थी जो यहाँ से उसने नीचे उतारी थी, यहाँ से उतारने के कारण जो कट था, वो कट के कारण ही जो एक्सीडेंट हुआ, उससे एक जिंदगी, एक घर बर्बाद हो गया। तो ये जो भारतमाला निर्माण के तहत जो ये इन्होंने छोड़ रखा है, इस कारण से ये कट है, जगह जगह ऐसे कट दिखा रखे हैं जिसके कारण आए दिन लगभग भारतमाला निर्माण रोड के तहत लगभग सैकड़ों जाने इस कट के कारण और इनके लापरवाही के कारण जा चुकी है। ये मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द ये जो कट है ये पूर्ण करवाया जाए और इन कटों को भराकर ये जो जाने जा रही हैं इनको बंद किया जा सके। मैं रेनू शर्मा, बाइक राइडर, अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।